दोस्तों, गंभीर समस्या की चर्चा करने जा रहे हैं हम। और सही मानो तो आप लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने 6 वीडियो बनाई थी कड़वी बात के नाम से। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी उसमें, पर मैं अलग अलग चैनल जो देखता हूँ, कमेंट करते हैं आप लोग, मैं भी टॉक करूँगा, मैं भी ऐसा बनूँगा। ये जो बनो ना, लोग कहें, और बनने से पहले आपकी रणनीति क्या है उसके बारे में सोचो। मेरी नाराज़गी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके। पहली बात तो ये है कि आप लोग भेड़ चाल में यकीन करते हैं। इस इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो चलो। या फिर आप में ये होता है कि पढ़ाते बहुत अच्छा है। पढ़ाते अच्छे हैं का क्या मतलब? कोई जैसे वाजपेयी जी का भाषण होता था तो किसी से पूछो कैसे बोले, अरे बहुत अच्छा बोले। क्या बोले? कुछ खास नहीं। तो क्या निष्कर्ष निकला? ऐसे शिक्षक से पढ़िए, खराब पढ़ाए चाहे, पर आपको पास करा दे। इतना सक्षम होना चाहिए। कैसे चुनेंगे आप? मैंने एक वीडियो बनाई है, इज कोचिंग नेसेसरी? कोई नहीं देखता उसको। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जब कोचिंग चाहिए तो आपकी ज़रूरतें क्या है वो एक सूची बनाइए, और जहाँ भी आप इंक्वायरी के लिए जाएं वो सूची लेके जाइए कि ये मेरी समस्याएं हैं, इसको आप दूर कर पाएंगे, और दूर कर पाएंगे तो उसके अलावा मुझे क्या मार्गदर्शन मिलेगा। मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें शुभम के साथ जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं उसका स्कोर कंपेयर किया जा रहा था। अच्छी बात है, उतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि अगर एंथ्रो में 320 आप उसको हल्का फुल्का लेकर के और आगे बढ़ जाएंगे, बाकियों में कोई खास फर्क नहीं है, है तो नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू में भी लोगों को वैसे मार्क्स आए हैं, ऑप्शनल में भी वैसे मार्क्स आए हैं, ऐसे में भी आए हैं। एक तरह से बूस्ट करने के लिए तो अच्छा है, पर जितने भी उदाहरण दिए गए उन वीडियोस में, पेपर वन में फलां के फलां साल में इतने नंबर आए, पेपर टू में फलां के फलां साल में इतने नंबर आए, भाई एक साथ इतने नंबर क्यों नहीं आ सकते? वैसे भी अगर आप किसी पेपर में इस साल 150 का स्कोर ला रहे हैं और अगले साल उसी पेपर में 130 का स्कोर ला रहे हैं, क्यों भाई? मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ। एक मित्र थे हमारे, निखिल पवन कल्याण, अभी उड़ीसा में मैं क्या शायद पोस्टेड है। वो जब आए मेरे पास तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनके 315 स्कोर था और सेकंड में 289, और वो आए थे टेस्ट सीरीज़ के लिए। और तो मैंने उससे पूछा कम कैसे हो गए, तो कहते हैं मुझे नहीं पता। मैंने कहा चुपचाप जाओ, एटीएम से पैसे निकालो, फीस जमा करो, क्लास करो। उस बंदे ने सेकंड थॉट नहीं दिया, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं लग रहा मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं, ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं भाई? और ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। और हिंदी मीडियम में, मैं को हिंदी का ही पता है, बाकी तमिल तेलुगु मलयालम तो पता नहीं है, तो हिंदी मीडियम में ही ज़्यादा क्यों है भाई?
और जहाँ तक ये बात जो की जा रही है कि यूपीएससी जो है वो भेदभाव नहीं करती, बात तो बिल्कुल सही है। सवाल इस बात का है कि आप अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं अपनी भाषा में। अगर आपके निबंध में अच्छा मार्क्स है, अच्छे स्कोर है, तो किसी भी सोशल साइंसेज के पेपर टू में आपका अच्छा स्कोर क्यों नहीं है? क्योंकि पेपर टू सोशल साइंसेज में वो भाषा का ही खेल है सारा। ठीक है। और भाषा के मामले में मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है ईस्टर्न यूपी और बिहार के बच्चों से। ज़्यादा ये नहीं मैं कहूँगा अपवाद होते हैं, लेकिन आप लोगों को जो भाषा लिखनी है, जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, आप मैथिली लिख देंगे, मगही लिख देंगे, भोजपुरी लिख देंगे, अवधी लिख देंगे, हैं, लेकिन जो आपसे अपेक्षित है। और ये इसमें दोष आपका तो नहीं है, क्योंकि स्कूल लेवल पे इन सब जगह पर भाषा पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। यूपीएससी जो है ये बेसिकली आर्ट्स के लोगों के लिए है, पर जैसा हमारा ढर्रा है, अगर आप साइंस में कमज़ोर होते हैं और इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, तो आप आर्ट्स लेते हैं और हिंदी मीडियम लेते हैं, मैथ से भी डरते हैं। अब जब आपको पता है कि अंग्रेज़ी और मैथ्स के जो बेसिक्स हैं वो आने ही चाहिए, जितने भी लोग फेल होते हैं प्रीलिम में, ज़्यादातर लोग सी सेट में होते हैं हिंदी मीडियम में, तो अंग्रेज़ी कंपल्सरी कर दी। अरे भाई, जब आप आईएएस बनते हैं, आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में होती है, मसूरी में आपको बाकायदा तमिल की ट्रेनिंग दी जाती है, आप 6 महीने में सीख लेते हैं, यहाँ आप साल भर में सीख लीजिए। ऐसी कौन सी भाषा है अंग्रेज़ी जो समझ में ना आए? ऐसी कोई कौन सी चीज़ है मैथ्स जो समझ में ना आए? और आप लोग तो भाग्यशाली हैं कि हर बात पर वीडियोस अवेलेबल हैं और सुन के समझना आसान होता है। नहीं समझ आया फिर से सुन लो, नहीं समझ आया फिर से सुन लो। ठीक है। पहली बात जो है, अपनी कमियां पहचानो और पहले कमियां दूर करो। मान लीजिए कि आपने कहीं सफ़र करना है अपनी गाड़ी में, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सड़क ठीक ठाक है कि नहीं, फिर दूसरा जो गाड़ी है आपकी उसमें सब ठीक ठाक है कि नहीं, ब्रेक है, क्लच है, स्पीडोमीटर है, टायर ट्यूब है, और डीजल या पेट्रोल जो कुछ भी है, तभी तो बढ़ेंगे ना आप। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को तैयारी में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लगता है तो लगने दीजिए, हड़बड़ किस बात की है? और आप में से मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, ये प्रीलिम्स आ गया है बीपीएससी का, जेपीएससी का, चलो दे दो, फिर यूपीएससी का आ गया है, चलो दे दो। एक चीज़ ध्यान में रखो, जब तक मेंस की तैयारी नहीं हुई तब तक किसी भी प्रीलिम्स के बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मेंस की तैयारी में 1 से 1.5 साल तक लग सकता है, और इसमें जो भाषा को परिष्कृत करना है वो समय इसमें सम्मिलित नहीं है। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। मेरी मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं है, मैं अगर लेक्चर दे सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, सभी लोग करते हैं, हमारे यहाँ मातृभाषा अंग्रेज़ी होती किसकी है? ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सभी लोग करीब करीब एक ही चीज़ पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन समझ कितनी विकसित हुई और उस समझ का आपने उपयोग कैसे किया, उस पर निर्भर करता है आपका स्कोर।
मैं एक रणनीति बताता हूँ, और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो 21 या 22 में परीक्षा देने वाले हैं। अगर वो पोस्टपोन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो लोग 23 को लक्ष्य बना के चल रहे हैं, मेरे सुझाव उन लोगों के लिए हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूं कि मेरे अनुभव हैं, सबके हों कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको अच्छे भी लगें पर आप लागू ना कर सकें, हो सकता है आपको अच्छे ना लगे तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप जीएस का जो आधारभूत ढांचा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, बायो, पहले इसकी तैयारी कीजिए। और तैयारी में क्या होता है, हाँ जी सर पढ़ लिया हमने, यूपीएससी को कोई मतलब नहीं कि आपने क्या पढ़ा है, आप क्या वहाँ करते हैं 3 घंटे में, उसके लिए आप कितना तैयार हैं। इसी जो मुखर्जी नगर में हमने कई साल पढ़ाया है, किसी से भी पूछो, चौथा अटैम्प्ट है, हाँ जी रिवीजन चल रही है, अरे 4 साल से क्या कर रहे हो यार, रिवीजन ही किए जा रहे हो। हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, एक 6 साल का छोटा सा मुस्लिम लड़का कितनी मोटी कुरान शरीफ रट लेता है, और जो उसकी भाषा भी नहीं है, उसको समझ भी नहीं आती, और आप लोग 4 साल से रिवाइज ही किए जा रहे हो। भाई ध्यान रखो, सोशल साइंसेज में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो पढ़ के समझना आए, और समझने के लिए नहीं पढ़ना आपको, आपको याद रखने के लिए पढ़ना है। और आपकी पूरी पीढ़ी से मुझे ये शिकायत रही है हमेशा, और मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि जो आप कल पढ़ते हैं वो आज भूल जाते हैं। अगर आपका यही रवैया रहना है तो छोड़ो यूपीएससी, और भी बेहतर काम है जीवन में, नहीं तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो करनी है पूरी। आप लोग फिर से एक बात और भाग्यशाली हैं कि हर चीज की वीडियोस अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, मैं हमेशा कहता हूँ पहले राज्यसभा टीवी के जो 10 एपिसोड हैं द मेकिंग ऑफ संविधान, उसके कारण भी मैंने बता रखे हैं, उसको देखिए। उसके बाद लक्ष्मीकांत पर 2 लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं, कोई भी एक देखिए, एक वीडियो देखी, वही अध्याय लक्ष्मीकांत से पढ़ा, पढ़ते पढ़ते पॉइंट्स बना लिए, पॉइंट्स बना के दिमाग में बिठा लिया, तैयारी हो गई पूरी। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एक पेपर जीएस का 1 दिन में रिवाइज हो जाए एग्ज़ाम के टाइम पे, नहीं तो नहीं। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं जो आपके फ़ायदे की है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते, कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो कोसते होंगे। असलियत क्या है कि शहरों के लोग जो हैं वो तो अपनी भाषा भूल चुके हैं, शहरों में मुहावरों और लोकोक्तियों का उपयोग लगभग समाप्त हो चुका है, गाँव में है आज भी बहुत हद तक है। और अगर आपको पता है तो कोई भी लोकोक्ति, एक बात जो आप एक पैरा में कहेंगे 40-50 शब्द लगा करके, वो आप एक लोकोक्ति से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उपयोग कीजिए उसका, ख़ासतौर से एथिक्स में और ऐसे में जो देशज शब्द हैं, बड़े काम की चीज़ होते हैं। एक बात मैं और जो सुन रहा था और मुझे बताना चाहिए वो थी ऑप्शनल के बारे में, कि टॉपर के 320 हैं और उसकी वजह से ही बाकियों के जो हैं वो, सेकंड टॉपर जो है करीब में क्या 36 नंबर कम है उसके, क्योंकि सोशियो है उसके पास। अगर ऑप्शनल कोई स्कोरिंग होता तो सभी लोग वही सब्जेक्ट लेके पास नहीं हो जाते क्या?
कैसे स्कोर करेंगे? आपकी समझ कितनी है सब्जेक्ट की, पकड़ कितनी है, आपको जो जो अपेक्षा की जाती है यूपीएससी में आपको कितनी समझ है। और दूसरा क्या होता है कि तुलनात्मक स्कोर होता है, आपने कम गलतियां की हैं तो आप अच्छी परफॉर्मेंस है, आपकी ज़्यादा स्कोर है, दूसरे ने ज़्यादा गलतियां की हैं तो कम स्कोर है। कंटेंट के मामले में कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं अवेलेबल होती हिंदी में, इंग्लिश वालों को एडवांटेज रहती है ओरिजिनल जो टेक्स्ट है। और वैसे भी जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो अपनी किताब का अनुवाद पढ़ना भी पसंद नहीं करते, ख़ास तौर से जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको अंग्रेज़ी में पढ़नी चाहिए, वो तभी ना जब आप थोड़ा सा ग्रास्प बना लें अंग्रेज़ी का। तो ऑप्शनल में मैंने जो चर्चा सुनी कि दो ऑप्शनल हैं जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मेरा ख्याल है कि निष्कर्ष सही है। ये दो विषय हैं इतिहास और हिंदी साहित्य। अब जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात है, अगर आपका रुझान नहीं है, साहित्य पढ़ा नहीं है, कोई भी साहित्य का जो पेपर है बिना रुझान के आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे जब लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने एमए कर रखा है हिंदी साहित्य और वो एंथ्रो लेना चाहते हैं, क्यों? तो जी वैसे ही कर लिया। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो लेना चाहते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ मैं परीक्षा लूँगा, वो कहते हैं जी बताइए। मैं पूछता हूँ अच्छा किसी एक लेखक के पांच उपन्यास जो आपने पढ़े हों प्रेमचंद को छोड़ के, नाम भी नहीं पता होते, पढ़ने की तो बात दूर है। या फिर मैं पूछता हूँ कोई भी पांच अनुवाद आपने पढ़े हों हिंदी में, वो नहीं पढ़े होते। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा सबसे अच्छा उपन्यास कौन सा लगा प्रेमचंद को छोड़ के फिर से, वो लोगों को पता नहीं होता। कुछ लोगों ने अंग्रेज़ी में पढ़े होते हैं एक दो एल्केमिस्ट वगैरह, उनसे पूछो तो उनको भी पता नहीं होता उपन्यास में क्या था। अच्छा इतना सीरियसली पढ़ना होता है? अरे पढ़ना होता है तो पढ़ना होता है, नॉन सीरियस कुछ भी नहीं होता यूपीएससी के लिए। तो हिंदी साहित्य बहुत अच्छा विषय है। पहली बात हिंदी की पकड़ आपकी। मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था अभी हाल ही में कि हाय हिंदी की जगह मैं तो हिंदा लिख गया, भैंस को पशु की जगह मैं तो परिंदा लिख गया। या फिर बचपन में एक कवाली गाते थे, सारी रात पढ़ते हम फिर भी नंबर आते कम, बताओ हम क्या करें। आप में से मोस्टली लोगों पर लागू होती है, मेहनत में तो आपकी कमी नहीं है, दिशा भ्रम है, मारीचिका कहते हैं जिसको। तो सारी रात पढ़ते हम में तीसरा नंबर है हिंदी जिसमें मिल जाती बिंदी, बताओ हम क्या करें। भाषा पर अगर पकड़ है, अगर आप शब्दों के साथ खेल सकते हैं, अगर आपके पास लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भंडार है, अगर आपने जेन्युइनली पढ़ा है, कोई चीज़ अच्छी लगी तो आपने उसका उपयोग करना है। जैसे मान लीजिए निराला पे आपका आ गया निबंध, अगर आपके सिलेबस में है तो मुझे याद नहीं है, या कबीर के बारे में आ गया, आप कबीर के जो पहले उस हो स्टेंजर्स जो हैं कबीर ग्रंथावली के आपके सिलेबस में, आपने रट लिए हो और सारे बच्चे वही तो कर रहे हैं, फिर आपको नंबर क्यों मिलेंगे। तो अगर व्याख्या आपने करनी है तो आपको 101 या 102वां श्लोक जो है उसको आधार बना करके अपनी बात को साबित करिए। कबीर की एक सीधी सी एक सिंपल सी बात है, तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आंखन की देखी।
इससे बड़ा यथार्थवादी व्याख्यान और क्या हो सकता है बताओ मुझे। तो साहित्य में जो है रुझान बहुत जरूरी है, और रुझान के साथ साथ बचपन से, जैसे सूरदास है आपके सिलेबस में, मैया महिदाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है हिंदी साहित्य, ठीक है ना। और अगर आपको हिंदी के साथ थोड़े बहुत संस्कृत के सुभाषित भी आते हैं तो वो सोने पे सुहागा है। जहाँ तक बेसिक टेक्स्ट पढ़ने की बात है, आमतौर पे हिंदी लिटरेचर वाले वो कुंजियों पे निर्भर करते हैं। मुक्तिबोध, मुझे उसकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है, चांद का मुंह टेढ़ा है कि अभिव्यक्ति के सब खतरे अब उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब। आपको अच्छी लगे तो आप भी उठाइए ऐसी चीजें। चांद का मुंह टेढ़ा है उनकी किताब, किताब का नाम ही ऐसा है कि आपका विषय हो चाहे ना हो पढ़ने को मन करता है। ठीक है ना, रुझान का विकास होना बहुत जरूरी है साहित्य के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और रुझान जो है वो हफ्तों में या महीनों में नहीं आता, लंबी तैयारी होती है, पर फिर भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा रुझान आपके पास होना चाहिए। और जहाँ तक बात इतिहास की है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रुझान नहीं होता इतिहास में, क्योंकि बहुत कुछ याद रखना पड़ता है लोग कहते हैं। असलियत तो यह है यूपीएससी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आपको याद ना रखना पड़े। कारण यह है कि जितने प्रश्न आपने लिखने हैं 3 घंटे में, अगर आपको आप याद नहीं है तो आपकी स्पीड कभी भी इतनी नहीं होगी कि आप सारे प्रश्न जो हैं उनका उत्तर सही सही दे सकें। चाहे पॉइंट्स याद हों चाहे किसी भी तरह से, अब वो सीक्वेंस तो आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। और वैसे इतिहास बहुत रुचिकर है, ठीक है, आपके अगर स्कूल में शिक्षक अच्छे नहीं रहे तो अलग बात है, पर मैंने तो बहुत सारा इतिहास कविताओं में पढ़ा। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि चौथा अवसर देशमुख की पढ़ा हुआ है, वो दिल्ली शासन पर लगाई थी मराठों ने, एक कविता से समझ आया मुझे। वीर शिवा का भव्य लक्ष्य ले बाजी प्रभु ने पैर बढ़ाया, एक गूंज आई भीतर से जिसने था भूकंप मचाया, महाराष्ट्र के कण कण से फिर धधक उठी वह ज्वाल पुरानी, उठे पेशवा जगे सिंधिया, धधक उठी वह भीषण भिवानी, चौथ लगी दिल्लीश्वर पर। बचपन में पढ़ी थी आपने रानी की झांसी, झांसी की रानी, कितनों को याद होगी भाई, कुबलड़ी मर्दानी बस हो गया। 1857 की कई बातें, स्मिथ हरा ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। अगर आप समझते हैं और पढ़ने में आनंद आता है तभी आप बेहतर तरीके से चीज़ों को और ज़्यादा समझ सकते हैं, और उतने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें, मुझे नहीं लगता कि जो लोग 21 या 22 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इतना समय होगा। अगर आप ये सारी जो विभीषिका है गलतियों की उसका शिकार हैं तो कोई हड़बड़ी नहीं है 21 और 22 देने की। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि पास होने के लिए एक ही अटेम्प्ट चाहिए होता है, तो पहला ही क्यों ना हो।
जिन्होंने नहीं दिया। ठीक है ना, करियर से बड़ा कुछ नहीं होता। मतलब ये मेरे बोल नहीं है, ये आपके ज़माने के बोल हैं। दुनिया उसी की सुनती है जो कामयाब होता है। अगर आप IAS बन जाते हैं, आप बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, हर कोई सुनता है। और अगर आप बनने के बाद छोड़ दें तो आप और भी बड़े बन जाते हैं कि देखो बन के छोड़ दिया। क्या फिलहाल जो है बात बनने की है। मंथन, सागर मंथन आप करते हैं तो विष निकलता है, तो अमृत भी निकलता है भाई। पास होना मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं लोगों की राय पर। अरे चार लोगों की टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए और फिर देखिए कि आपके गुण दोष क्या हैं, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और लक्ष्य निर्धारित कीजिए। और एक चीज़ बताइए, एक ही पोस्ट तो है नहीं जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हो। अगर आप 3-4-5 लोग मिलकर के तैयारी कर रहे हो तो श्रम विभाजन भी हो जाता है और मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। तरीके कई हो सकते हैं, पर मैं ये चाहूँगा कि जब मैं 2022 के रिज़ल्ट की बात करूँ, 21 तो खैर आ ही गया, 22 के जब रिज़ल्ट की बात करूँ तो मुझे कुछ सुधार नज़र आए, और जब मैं 23 के रिज़ल्ट की बात करूँ तो मुझे अगर बेहतर रिज़ल्ट होगा तो मुझे लगेगा कि मेरी बातों में दम है। मुझे आपकी टिप्पणी नहीं चाहिए, मुझे आपकी जिज्ञासाएं क्या हैं वो चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है जिसमें मेरा सहयोग हो सकता है तो मैं फिर से जो है दोबारा आपके सामने आने से नहीं झिझकूंगा। लेकिन फिलहाल का जो आप जो दौर है हिंदी मीडियम के बच्चों से, आज की तारीख में मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, और उम्मीद आपको बनानी है। मायूस होने से नहीं चलेगा, अपनी कमियाँ पहचानिए और दूर कीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कहीं ऊपर से नहीं आए हैं, ऊपर वाले ने किसी खास मिट्टी से नहीं बनाया है। रणनीति लेकर के चलना, और एक बार जो रणनीति बना ली तो वो सलमान खान का क्या था डायलॉग, ये मैं एक बार फैसला करता हूँ फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। मत सुनिए, मेरी भी नहीं। ठीक है, धन्यवाद।